तो इससे क्या होगा, काफी कम प्रोडक्ट भी अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मक्खन की तरह हमारा वाटर जा रहा है, लेकिन आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा। ये देखिए, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज का मेरा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं कि हम गर्मियों के लिए अलग और सर्दियों के लिए अलग प्रोडक्ट्स ले सकें। और कई बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रा जो होती है, क्रायलॉन जो ब्रांड है, इसका जो सुप्रा कलर पैलेट है यही है, और हमें समर्स में मेकअप करना है। अभी आप लोगों ने काफ़ी बार बोलते हुए सुना होगा कि हमें सुप्रा को सर्दियों में यूज़ करना चाहिए और डर्मा को गर्मियों में यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट ही सुप्रा है। तो ऐसे में सुप्रा से गर्मियों में आप किस तरह से मेकअप करेंगे, वो भी वाटर रेसिस्टेंट मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इतना डिटेल में और इतना डीपली बताऊँगी कि अगर आप इससे गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं, ऑयली स्किन पर मेकअप कर रहे हैं, तो भी आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा। काफ़ी हवर्स आपका मेकअप स्ट्रे करने वाला है, कितना ही आप लेयर अप्लाई कर लेंगे तब भी आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। सो देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या होती है, कि जो सुप्रा का जो टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको हमको सर्दियों में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई होती है, एक्सेस में ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में ये हमारी स्किन पर काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है और हमारा बेस काफ़ी अच्छा बन जाता है। और गर्मियों में हमारी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है, स्वेट होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में प्रोडक्ट को सेट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मेल्ट ज़्यादा होता है और मेकअप लेयर्स बह के उतरने लगता है। तो इसको अप्लाई करने की टेक्निक अगर आपको प्रॉपर पता है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इजीली आप सुप्रा से गर्मियों में मेकअप कर पाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना फेस क्लीन करना है। फेस क्लीन करने के बाद में आपको टोनर अप्लाई करना है, टोनर के बाद में आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अब मॉइस्चराइज़र आपको कौन सा अप्लाई करना है, तो देखिए मॉइस्चराइज़र आपको गर्मियों में कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद में आपको मैटिफाइंग प्राइमर अपने फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। सो लाइक आपने तीनों प्रोसेस फॉलो कर लिए, उसके बाद में आपने मैटिफाइंग प्राइमर लिया और उसको आपको पूरे फेस पर, ऑल ओवर फेस पर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। ऑल ओवर फेस पर आप इसको अप्लाई कर देंगे तो प्राइमर का क्या काम होता है, प्राइमर एक तो आपके स्किन को स्मूथ कर देगा, आपकी एप्लीकेशन एकदम इवन होगी, आपका प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर सेट हो जाएगा और आपके स्किन और मेकअप के प्रोडक्ट के बीच में एक बैरियर बन जाएगी, मतलब कि एक लेयर बन जाएगी जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। मेकअप के जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, हार्म करते हैं, वो हमारी स्किन को उससे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। आपको प्राइमर देख लेना है, मैटिफाइंग प्राइमर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको मैटिफाइंग प्राइमर ही है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई करने के बाद में आपको जो भी आपके अगर स्किन पर प्रॉब्लम्स है तो उसको करेक्शन कर देना है। अब देखिए, सबसे बड़ा इशू कहाँ आता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनके मतलब दो तीन प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, मेकअप सेट होना, और कई बार प्रॉब्लम होती है कि करेक्टिंग की स्किन पर, लेकिन करेक्टर फाउंडेशन के साथ में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने लाइक अभी करेक्टिंग की, तो करेक्टिंग करने के बाद में आपको इसको कम से कम 30 सेकंड आपकी स्किन के साथ में सेट होने देना है। तो इससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, प्लस आपका जो कई बार आपने देखा होगा फाउंडेशन का कलर ही चेंज होता था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं
कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद में फाउंडेशन सही स्किन टोन का अप्लाई किया लेकिन फिर भी कलर चेंज हो गया, तो उसका मेन रीज़न होता है कि आप करेक्टर को सेट ही नहीं होने देते हैं स्किन पर, या फिर आप अपने स्किन से लाइट कलर चूज़ करते हैं, या फिर आप करेक्टिंग ही नहीं करते हैं, तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए यहाँ पर आपने प्राइमर अप्लाई किया था तो आपका करेक्टर भी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद में आप यूज़ करेंगे सुप्रा। तो देखिए सुप्रा यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, लाइक अभी मैं थोड़ा लाइट शेड आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इसको ब्रश से नहीं लगाना है, ठीक है। आपको इसको या तो आप इसको अप्लाई करेंगे इस तरह से डैब डैब करते हुए, तो इससे क्या होगा काफ़ी कम प्रोडक्ट भी अप्लाई होगा जो कि आपकी स्किन पर काफ़ी अच्छे से सेट होगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, आपको इस तरह से फिंगर से टैप टैप करते हुए प्रोडक्ट लगाना है। आपको अपना स्किन टोन से मैच करवा लेना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा लाइट दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइट शेड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सुप्रा कितना क्रीमी है, लेकिन अभी आप खुद देखेंगे कि ये मेरी स्किन पर कितने अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस मेकअप पर अगर आप पानी भी डालते हैं तो भी आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा, आपका पानी है वो मक्खन की तरह फिसल कर साइड हो जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ये वाली टेक्निक। अगर आपके पास सिर्फ सुप्रा प्रोडक्ट है, आपके पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है और आप डर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट हमको बोलते हैं कि गर्मी रहेगी, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो ऐसे में हमारा मेकअप निकलना नहीं चाहिए, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताऊँगी, वो भी आप देखिएगा और बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करेंगे अगर, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब देखिए होता क्या है, मैंने फिंगर से प्रोडक्ट अप्लाई किया है ना, तो काफ़ी कम प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ना उतना ही प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इसके बाद में आपको लेना है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा होना चाहिए कि देखिए इस तरह से करने पर इसमें पानी ये जो आ रहा है ना ऐसे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टिश्यू लेना है और टिश्यू में आपको इस तरह से रख के इसको इस तरह से स्क्वीज करना है, तो जो भी एक्सेस वाटर होगा वो पूरा टिश्यू में आ जाएगा और आपका जो ब्लेंडर है वो बिल्कुल यूज़ करने के लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इसको ब्लेंड कर देना है। आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है, वेट नहीं लेना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट पहले ही काफ़ी लिमिटेड ही अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा ब्यूटी ब्लेंडर नहीं सोखना चाहिए। तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल जो हमने अप्लाई किया है वही रहता है, ब्लेंडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इससे क्या होगा, देखिए आपका बेस तो नेचुरल बनेगा ही, प्लस आपका मेकअप कहीं भी बहकर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा लेयर्स अप्लाई नहीं की है। इसके बाद में जो आप देखिए जो सुप्रा पैलेट है, इससे आप पूरा काम कर सकते हो, आप पूरा आपका बेस बना सकते हो, आप इससे कंसीलर लगा सकते हो, आप इससे कॉन्टोरिंग कर सकते हो, हाइलाइटिंग कर सकते हो, लिक्विड काम जो भी आपके हैं आप इससे करेक्टिंग कर सकते हो, सब कुछ आप इससे कर सकते हो। तो जो आप हाइलाइटिंग करेंगे वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो देखिए आप अगर फिंगर से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप प्रोडक्ट लेंगे एंड आपको जो भी स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर हम लिक्विड हाइलाइटिंग करते हैं, लाइक अंडर आई हो गया, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, मिडिल ऑफ द फोरहेड एंड चिन, यहाँ पर आपको इस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई कर देना है। और इसके बाद में अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक और है स्टेप जो आपको फॉलो करना है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट मक्खन की जैसे फिसलेगा और काफ़ी अच्छा आपका बेस बनेगा। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या सेटिंग पाउडर। ये है फॉरहेड 52 का HD सेटिंग पाउडर एंड इससे आपको इस तरह से देखिए लेना है, ठीक है, कॉम्पैक्ट पर, और इसको लॉक कर देना है। इसको लॉक करने के बाद में आपका मेकअप बहुत ज़्यादा टाइम स्टे करेगा। ये देखिए हमने इसको लॉक कर दिया है और अब
आपको सिर्फ एक स्टेप और फॉलो करना है और उसके बाद में आपका मेकअप डन। अब जो भी आपको ब्लशर हाइलाइटिंग करनी है पाउडर वो आप सब कर देंगे, उसके बाद में आपको इसको मेकअप फिक्सर से सेट कर देना है। सो आपको कोई भी अच्छे ब्रांड का मेकअप फिक्सर लेना है एंड इसको आपको इस तरह से लॉक कर देना है। अब आपको 30 सेकंड वेट करना है, इसको ड्राई होने देना है और उसके बाद में आपको रिजल्ट देखना है। सो देखिए यहाँ पर हमारा मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर वाटर स्प्रे करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से मक्खन की तरह हमारा वाटर जा रहा है, लेकिन आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा, ये देखिए। सो इस तरह से आप इजीली गर्मी में सुप्रा से मेकअप कर सकते हैं, आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा, ये देखिए। अच्छे से सेट है हमारा बेस, ठीक है। सो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है और इजीली आप बहुत अच्छा मेकअप कर पाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय।